हाँ आरएचएस लिया मैंने इसमें, कॉट एक्स। अच्छा ये कॉस में दे रखा है, तो एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, जो आना है वो अपने आप आ जाएगा। हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हम क्या काम करेंगे, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन। बच्चों बहुत सिंपल है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई अपॉन साइन वाई प्लस वन। अपॉन में आएगा बच्चों कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई अपॉन साइन वाई और माइनस वन। अब बच्चों एलसीएम ले लो, ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम कितना है, साइन एक्स साइन वाई है, और नीचे भी साइन एक्स साइन वाई है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई, साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, और यह आएगा साइन एक्स साइन वाई। उसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, यहाँ भी यही एलसीएम आने वाला है आपका। एलसीएम आएगा साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई, साइन माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, और साइन एक्स साइन वाई। साइन एक्स साइन वाई से साइन एक्स साइन वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये हमारा एलएचएस है ये, और ये दोनों सेम आ गया तो ये हमारा आ जाता है एलएचएस। लास्ट में लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, वेरी गुड। आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। बच्चों कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करेंगे और इसमें करेंगे कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। देखिए कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और ये होगा साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस वाई है, अगर माइनस है तो बीच में साइन प्लस आएगा, तो बच्चों ये होगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, वेरी गुड। अब देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। मैंने बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको ध्यान हो, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बताया गया था बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इस फॉर्मूले में बच्चों अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। अब हमें देखना है कि हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर वाई। तो बच्चों जहाँ पर कॉस वाई हो उसको टच करने का नहीं है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगा आपसे, तो इसको टच मत करो, ओके। जो एक्स है यहाँ पर देखिए हमारा एक्स किस में है, साइन में है, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को भी टच नहीं करना, यानी कि कॉस स्क्वायर वाई को टच नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को टच नहीं करेंगे। अगर आपने इसको टच कर दिया तो ये आपसे नाराज हो जाएगा, और हमें किसी को नाराज करना है नहीं। अभी जो x का है उस x को हमें साइन की फॉर्म में लाना है, जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को लाना है साइन की फॉर्म में,
और यहाँ पर जो वाई एंगल है जिसका, उसको किस में लाना है, कॉस की फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर फाइंड करना है कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि जिसका एंगल एक्स हो, जैसे कि यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लाना किस में है, साइन में लाना है। वाई वाले एंगल को किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर एक्स को हम टच नहीं करेंगे। अब कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको लिखा जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस, अब इसको भी टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपसे नाराज हो जाएगा और हमें नाराज करना नहीं। साइन स्क्वायर वाई है तो साइन स्क्वायर वाई को लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। बीच में बच्चों साइन कैसा, देखो माइनस का है तो माइनस का रखेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स बच्चों ये हमारा आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई किया आपने, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे बच्चों क्या आएगा बोलो, प्लस आ जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर वाई से करेंगे, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। जो आपस में कैंसिल होना चाहते हैं उन्हें कैंसिल कर दो, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बच्चों हमारा आ जाएगा RHS यानी के राइट हैंड साइड। लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, ये आएगा आपका 5A माइनस टेन 3A अपॉन टेन 5A प्लस टेन 3A। हेलो, अच्छा हैं सब लोग ना, गए तो नहीं। अब बच्चों साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लिखा जाएगा साइन 5A अपॉन कॉस 5A। बच्चों अगर कॉट में होता तो कॉस अपॉन साइन रखते, यहाँ पर टेन में है तो रखेंगे साइन अपॉन कॉस, माइनस साइन 3A अपॉन कॉस 3A, अपॉन में है बच्चों साइन 5A अपॉन कॉस 5A प्लस साइन 3A अपॉन कॉस 3A। देखो बेटा ऊपर भी एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो। अब देखो ऊपर एलसीएम क्या लेंगे, नहीं 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 रॉन्ग है, ऊपर एलसीएम लेंगे, देखो अपॉन में क्या है कॉस 5A है और यहाँ कॉस 3A है, तो एलसीएम लिया जाएगा कॉस 5A कॉस 3A और ये आएगा साइन 5A और इसका बच्चों मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो साइन 5A कॉस 3A, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस रहेगा और यहाँ पर आएगा बच्चों कॉस 5A साइन 3A। इसी तरह से अपॉन में बच्चों एलसीएम लेंगे आप लोग, कॉस 5A कॉस 3A सेम आएगा, साइन केवल प्लस का हो जाएगा, तो साइन 5A कॉस 3A प्लस कॉस 5A और साइन 3A। बच्चों ये आपस में कैंसिल होगा। इसके बाद देखेंगे साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो फॉर्मूला बनेगा साइन A माइनस B यानी कि 5A माइनस 3A अपॉन कॉस A साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो फॉर्मूला बनेगा आपका साइन A प्लस B यानी कि 5A प्लस 3A। बच्चों यहाँ पर 5 में से 3 को, यहाँ पर देखो
साइन 5a कॉस 3a। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लेंगे सब बच्चे। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इज इक्वल टू होता है साइन a माइनस b। ओके, अगर बच्चों मैं साइन चेंज कर दूं, ये क्या है माइनस है, और माइनस को कर दूं प्लस, तो यहां भी मेरा क्या हो जाएगा प्लस। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा, बाकी कुछ भी अंतर नहीं होने वाला। ओके बच्चों, तो इसी फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसी फॉर्मूले को बच्चों मैंने कहां अप्लाई किया है, इसमें अप्लाई किया है और इसमें अप्लाई किया है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि ए की जगह कितना है 5a और बी की जगह 3a, तो 5a माइनस 3a और साइन 5a प्लस 3a, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आएगा साइन 2a अपॉन साइन 8a। ये बच्चों हमारा देखिए राइट हैंड साइड आ जाएगा, सब बच्चे देखेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, सबको क्लियर है? है बेटा यो, हाँ प्रूफ ही किया है और क्या ते हैं, तो 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या काम करेंगे, 10 50 लिखेंगे और 10 50 को कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 10 40 प्लस 10 में। ओके, अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन ए प्लस बी, और टेन ए प्लस बी होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ओके, इसमें ए क्या है, ए हमारा 40 है, बी हमारा 10 है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बच्चों आएगा 10 50 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10 वन माइनस 10 40 और 10 10। अब बच्चों इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10 50 वन माइनस 10 40 और 10 10 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ये 10 50 जो है, इस 10 50 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम लोग। ओके, 10 50 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा हमारा 10 50 माइनस 10 50 10 40 और 10 10 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी जो हमारा ये 10 50 दिया गया है, कौन सा दिया गया है, ये वाला 50, 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40। ओके, तो इसको लिखा जाएगा, ये रहेगा बच्चों 10 50 माइनस 10 90 माइनस 40 और 10 40 इंटू 10 10 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10। यह आएगा आपका 10 50 माइनस 10 90 माइनस थीटा। बच्चों मैं यहां लिख देता हूं 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के, ये होता है बच्चों, तो उस तरह से 10 90 माइनस 40 हो जाएगा कॉट 40 के इंटू 10 40 इंटू 10 10।
इज इक्वल टू, हाँ 50 की जगह रखा बच्चों, तो 10 40 ये वाला और प्लस 10 10। अभी देखिए cot 40 या 10 40 ये आपस में कैंसिल होगा, 1 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 50 माइनस 10 10 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10। अब इस 10 को इधर ले जाएंगे, साइड चेंज किया आपने। हाँ बोलो, नहीं मैंने क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया ना, देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमारा कॉट 40 आ गया। ओके नहीं बेटा, इसको आप कंपेयर करेंगे इससे, है ना। हाँ कॉट 40 और 10 40 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10 10 इधर आएगा, साइड चेंज करेंगे, ये माइनस का है, साइड चेंज करने पर प्लस में आ जाएगा। यस सर, तो 10 50 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10 प्लस 10 10, तो 10 50 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10 ये और 10 10 ये है, तो 2 10 10। और यही बच्चों हमें इसमें प्रूफ करना था, आप लोग देख लेंगे, और ये हमारा प्रूफ हो गया। किसी बच्चे कोई डाउट है क्या, बोलो, क्लियर है सबको? ओके नोट करो, LHS। ओके LHS में क्या है हमारा, कॉस 27 प्लस साइन 27 अपॉन कॉस 27 माइनस साइन 27। ऊपर भी कॉस कॉमन लेंगे और नीचे भी कॉस कॉमन लेंगे, तो बच्चों कॉस कॉमन लिया और एंगल 27 है तो 27 कॉमन ले लेंगे, जब ये कॉस 27 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहां पर कॉस है क्या बच्चों, बोलो, यहां पर कॉस नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस से करेंगे डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई किया है वो तो आपका बाहर आ गया और डिवाइड वाला अंदर रह जाएगा, कॉस 27 अपॉन साइन 27 अपॉन कॉस 27। यहां तक समझा बच्चों आप लोगों ने? इसी तरह से कॉस 27 कॉमन लेंगे अपॉन में और आएगा 1 माइनस साइन 27 अपॉन कॉस 27, कॉस 27 से कॉस 27 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 1 आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस यानी के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 10 थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 27 है, तो ये आ जाएगा 10 27 अपॉन 1 माइनस 10 27। बच्चों अभी ये हमारा 10 आया है, क्या आया बच्चों, 10, तो 10 की फॉर्म में 1 किसका वैल्यू होता है बच्चों, 10 45 का होता है, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, 10 45 प्लस 10 27 अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 27। बच्चों अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B, क्या बताया था बच्चों, 10A प्लस बी। हाँ बोलो, बेटा ये फॉर्मूला बनाना है, इसलिए ये फॉर्मूला बनाना है हमें, 10 का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए भाई यहां पर आप कर सकते हैं ना, 1 इंटू 10 27 लिख सकते हैं ना बच्चा, तो इस 1 की जगह लिख दिया मैंने 10 45,
अब कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इजिकल टू टेन ए प्लस बी। तो ए क्या है, ए हमारा कितना है 45 है, हाँ तो ये 45 ए है, ये हमारा बी है, तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग 45 प्लस 27, तो ये आएगा 10 72। ये बच्चों हमारा राइट हैंड साइड आ गई। और लास्ट में लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये लिखना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, कोई डाउट किसी को?